वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नसरल बी कीपिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेइंग वर्कर्स बीज के बारे में। लेइंग वर्कर्स बीज का मतलब यही होता है जब किसी वजह से एक कॉलोनी में क्वीन मर जाता है या गायब हो जाता है, तब वर्कर बीज अपना ओवरेज डेवलप करता है और अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देना स्टार्ट करता है। 18 दिन तक वर्कर बीज नया क्वीन बनाने का कोशिश करता है। जब नया क्वीन बनाने में सफल नहीं होता है तब लेइंग वर्कर्स बीज का प्रॉब्लम शुरू होता है। लेइंग वर्कर्स बीज का सबसे बड़ी समस्या यही होता है कि जब वर्कर बीज अंडे देना शुरू करता है, एक ही सेल में 3-4 अंडे देता है और उन अंडे से ओनली मेल बीज पैदा होता है। मेल बीज ओनली ड्रोन के साथ मेटिंग करने का काम आता है और किसी काम नहीं आता है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए हम शुरू में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो बीहाइव कॉलोनी ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, हमने एक महीने पहले चेक किया था, सब ठीक ठाक था। आज एक महीने बाद चेक कर रहा हूँ, एक सेल में 3-4 अंडे हैं। ये देखिए, हम कैमरा को थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेइंग वर्कर बीज कॉलोनी का आइडेंटिफिकेशन करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब कोई कॉलोनी में परफेक्ट क्वीन रहेगा तो एक ही सेल में एक ही अंडे देगा, और जब किसी कॉलोनी में लेइंग वर्कर बीज का प्रॉब्लम शुरू होता है तो तब एक ही सेल में 3-4 अंडे होता है। ये देखिए, एक ही सेल में 3-4 अंडे हैं, और जिन बीहाइव्स कॉलोनी में ये प्रॉब्लम शुरू होता है उन बीहाइव्स कॉलोनी का जो डिसिप्लिन है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है और वर्कर बीज भी ज़्यादा वर्क नहीं करता है। फ्रेंड्स देखिए, हमने 100 मीटर दूर लेके आया, जिन बीहाइव्स कॉलोनी में लेइंग वर्कर्स प्रॉब्लम शुरू हुआ था, और वहाँ दूसरा एक बॉक्स रख दिया और हम सभी फ्रेम 100 मीटर दूर आके जा रहा हो। ये जो वर्कर बीज अंडे देता है उन लेइंग वर्कर बीज अपना ओवरेज डेवलप करता है, इसलिए वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता है और वो यही मर जाएगा। इसलिए हम जा रहा हो ताकि हमारा कॉलोनी में कोई लेइंग वर्कर्स ना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने झाड़ रहा हो, जो अच्छा वर्कर बीज होगा वो उड़ के सीधा अपना बॉक्स में चला जाएगा। हमने वहाँ एक दूसरा बॉक्स रख दिया और जो लेइंग वर्कर बीज होंगे वो उड़ नहीं पाएगा, यही मर जाएगा। और फिर हमने इन बीहाइव बॉक्स में दूसरा जगह से अंडे देने वाला एक हेल्दी क्वीन अरेंज करके क्वीन केस में डाल के 3 दिन तक रखूँगा और 3 दिन के बाद छोड़ दूँगा। फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो आप देखेंगी तो आप आसानी से अपना लेइंग वर्कर बीज प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 100 मीटर दूर जार दिया था, जो अच्छा वर्कर बीज था वो उड़ के हमारा बॉक्स में आया है। हमने जो फ्रेम जार दिया था वो सभी फ्रेम फिर से यहाँ सेट करूँगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कुछ दिन पहले डिवीजन किया था, 2 फ्रेम सहित 2 क्वीन सेल था। यहाँ हमने क्वीन सेल रख दिया था नया कॉलोनी बनाने के लिए। हमने इन बॉक्स से क्वीन को क्वीन केज में
डाल दिया और हम इनको इस क्वीन केज में शहद डालूंगा ताकि क्वीन भूखे से मर ना जाए। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा दो तीन वर्कर बीज भी क्वीन केज में डालना है ताकि क्वीन अकेलापन महसूस ना करे। आप हमेशा क्वीन को बॉक्स का मिडिल साइड में रखना ताकि क्वीन का स्माइल बॉक्स में पूरा फैल जाए और क्वीन को वर्कर बीज अच्छी तरह एक्सेप्ट कर ले। हर हर बॉक्स का क्वीन का स्माइल अलग अलग होता है, इसलिए हम इन्हें सीधा नहीं लूँगा। तीन दिन के बाद आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स जो बीहाइव्स कॉलोनी में लेंग वर्कर बीज का प्रॉब्लम शुरू होता है। आप क्वीन को डायरेक्ट नहीं देना है, आपको डायरेक्ट देने से वो क्वीन को मार देगा। ये देखिए हम सभी फ्रेम चेक कर रहा हूँ। जो लेइंग वर्कर्स बीज था वो हमने तीन दिन पहले 100 मीटर दूर जाके झार दिया था, वो मर गया। और जो वर्कर बीज ने अंडे दिया था, एक ही फ्रेम में तीन चार अंडे, वर्कर बीज ने सारे अंडे बाहर फेंक दिया है। और हम सब फ्रेम चेक कर रहा हूँ, किसी भी फ्रेम में कोई एगलिंग नहीं है। ये तीन दिन के बाद वर्कर बीज ने हमारा ये नया क्वीन को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हम आज इन क्वीन को आज़ाद कर दूंगा। और ये क्वीन पूरा कॉलोनी में सर्वाइव करेगा और अंडे देगा, और ये कॉलोनी एक फिर से एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी बन जाएगा। हर एक फ्रेम में चेक कर रहा हो, आपको भी हम दिखाने की कोशिश कर रहा हो। देखिए कोई एगलिंग नहीं है, इसलिए हर बीकीपर को अपना बॉक्स को कम से कम मंथ में दो बार चेक करना है। अगर शुरू शुरू में आपको ये क्वीनलेस कॉलोनी का पता चल जाएगा तो आप अंडे लार्वे और क्वीन सेल वाला फ्रेम देंगी तो वो समस्या सॉल्व होगा। जब एगलिंग शुरू होता है 18 दिन के बाद, तब क्वीन सेल देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो वर्कर बीज अंडे देना शुरू करता है वो अपने आप को क्वीन समझता है। और वो जो नया क्वीन सेल आप इसमें देंगी तो वो उसको नष्ट कर देगा। इसलिए ये प्रोसेस अप्लाई करना ठीक होगा अपने एक नया क्वीन को क्वीन केज में डाल के देने से ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होता है। लेइंग वर्कर्स प्रॉब्लम पहले भी मेरा दो तीन बार हुआ था। हम क्वीन सेल देखी भी ट्राई किया था, वो क्वीन सेल लेइंग वर्कर बीज नष्ट कर देता है, इसलिए हम ये क्वीन केस में डाल के यही प्रोसेस अप्लाई किया था बार बार, और हमने सक्सेस भी हुआ था। आज भी हम सक्सेस हुआ हो क्योंकि कोई एगलिंग नहीं है। और देखिए वर्कर बीज ने ट्राई कर रहा है अपना क्वीन को क्वीन केस से आज़ाद करने के लिए। हम आज इनको इन बीहाइव बॉक्स में छोड़ दूंगा। इन क्वीन को देखिए हमने छोड़ रहा हो, आपको दिखा रहा हो, ये क्वीन सीधा बॉक्स में चला जा रहा है। और ये क्वीन दो तीन दिन के बाद से ही एगलिंग करना स्टार्ट करेगा और ये कॉलोनी फिर से एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी बन जाएगा।